सो ही गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट 1.20 में फाइनली एक एक्सपी फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। एंड गाइस, तुम लोगों को तो पता ही है एक्सपी हमारे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल होती है, आप लोगों के आर्मर को हील करने के लिए, आर्मर में इंचार्टमेंट लगाने के लिए, आर्मर में इंचार्टमेंट वाली बुक्स लगाने के लिए, मतलब हर चीज में ये एक्सपी बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड गाइस, आज का शाउट आउट इन लोगों को जाता है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं। एंड अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड जो भी नया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। गाइस, मैं तुम लोगों से 3-4 वीडियो से बोल रहा हूँ कि मेरे को फॉर्म की वीडियो की वजह से सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैं फॉर्म्स की वीडियो लगातार नहीं ला पाऊंगा। जब तक 1.20 के मैं सारे फॉर्म नहीं बना लेता तभी तक मैं फॉर्म की वीडियो लाऊंगा। उसके बाद हम लोग गेम प्ले की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे, गेम प्ले की वीडियो ज्यादा आएगी इस वाले चैनल में। एंड गाइस, बाकी बातें बाद में करेंगे, बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यार आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड हम लोगों को एक्सपी फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, ये वाला जो एक्सपी फार्म है ये आपका ओशन के बीच में बनने वाला है, मतलब आपका जो ये टॉप होगा ना, इससे आप लोगों को यहाँ पर 80 ब्लॉक कम से कम यहाँ पर इसको दूर बनाना होगा। एंड आप लोगों को ये देखना होगा कि उसके 80 ब्लॉक के एरिया में कोई सा भी यहाँ पर टापू ना हो। एंड गाइस, इस जगह पे जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ पर मेरे 80 ब्लॉक के एरिया में कोई सा भी टापू नहीं है, तो मैं यहीं से पहले बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जो ओशन की सतह है ना, यहाँ पर तक नीचे से बिल्ड कर लेना है। देन गाइज, हमारे जो ओशन के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो ये हमेशा 63 ही होते हैं। तो आप लोगों को 163 मतलब 100 ब्लॉक यहाँ पर से ऊपर चले जाना होगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से चले जाता हूँ। तो गाइज, मैं यहाँ पर 163 की हाइट में आ गया हूँ। आप लोग मेरे साइड में यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को किसी भी साइड से एक ब्लॉक इधर, देन दो ब्लॉक इस साइड को कर लेना है। एंड फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से 5 ब्लॉक आगे को खींच लेना है। एंड इसका एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को फटाफट से बना लेना होगा। देन गाइस, उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। देन अब यहाँ पर आप लोगों को लैडर लगानी होगी अपने ऊपर नीचे जाने के लिए। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक ले लेना है। देन आप लोगों को यहाँ पर साइड में दो ब्लॉक, मतलब ये जो बीच के जो 4 ब्लॉक है ना, इन 4 ब्लॉक को छोड़ के बाकी इसके आउटसाइड यहाँ पर ब्लॉक की एक छोटी सी वॉल बना लेनी है इस टाइप की। देन गाइस, इस वाले ब्लॉक से ऊपर आप लोगों को 21 ब्लॉक बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को नीचे आ जाना है। देन आप लोगों को यहाँ पर से ये जो 4 ब्लॉक है इसको यहाँ पर डिक करना होगा। देन यहाँ पर आप लोगों को एक चेस्ट प्लेस करनी होगी, फिर आप लोगों को अंदर जाना है। देन यहाँ पर इससे कनेक्ट करते हुए आप लोगों को 4 हॉपर लगा देने हैं इस टाइप से। एंड गाइस, इन हॉपर के ऊपर आप लोगों को स्लैब लगा देने हैं, फिर आप लोगों को जो ब्लॉक आपने डिक करा था इसको यहाँ पर फिल कर लोगे। तो अब यहाँ पर हमारे मारने के लिए यहाँ पर मॉब को यहाँ पर हो चुका है। एंड उसके बाद आप लोगों को ऊपर आ जाना होगा। देन गाइस, आप लोगों को जो ये खाली एरिया यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉक फिल कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जो ये दो ब्लॉक है, इन दो ब्लॉकों को चारों साइड से आप लोगों को 8-8 ब्लॉक दूर चले जाना है, मतलब ये एक ब्लॉक हो गया, इससे आप लोगों को 7 ब्लॉक और दूर जाना है। हियर वी गो। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चारों साइड से यहाँ पर 7-7 ब्लॉक दूर चले गया हूँ। एंड उसके बाद जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों को वैसा कर लेना है। तो सिंपली आप लोगों को एक एक ब्लॉक ऐसे आगे को ले लेना है। देन इसके ऊपर आप लोगों को डबल ब्लॉक इस टाइप से लगाना है। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से भी एक एक ब्लॉक ऐसे ले लेना है। एंड अब इसकी यहाँ पर तक एक दो दो ब्लॉक की वॉल बना लेनी है, मतलब इन दोनों को यहाँ पर दो दो ब्लॉक की हाइट में इस टाइप से कवर कर लेना है। तो मैं आपको फटाफट से कर लेता हूँ। हियर वी गो। तो गाइस देख सकते हैं, आप लोगों को इस टाइप का बना लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जो ये कॉर्नर यहाँ पर खाली खाली दिख रहे हैं ना, इसको भी यहाँ पर ब्लॉक से फिल कर लेना है। हियर वी गो। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके बाद आप लोगों को वाटर बकेट ले लेनी है। देन आप लोगों को इन सब के जो ये वाले कॉर्नर है ना, चारों साइड यहाँ पर आप लोगों को वाटर डाल देना होगा। एंड जैसे आप लोग वाटर डालोगे, जो आपका वाटर है वो फ्लो होते हुए यहाँ इस एंड तक चले जाएगा, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही चारों साइड से कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को ट्रैप डोर ले लेना है। देन इनके साइड में आप लोगों को ट्रैप डोर लगा के खोल देना होगा, ताकि हमारे जो मॉब है इन ट्रैप डोर को एक ब्लॉक समझे, देन इधर साइड को आके वो पानी से फ्लो होते हुए हमारे नीचे किलिंग सिस्टम तक पहुंच जाए। एंड गाइस, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक ले लेना है। देन आप लोगों को किसी भी साइड से यहाँ पर अप आना है। देन इसी के यहाँ पर आप लोगों को वॉल बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से बना लेता हूँ।
तो गाइज उसके बाद आप लोगों को जब ये वॉल बना लो उसके बाद आप लोगों को किसी भी साइड से एक ब्लॉक लगाना है, देन उसके ऊपर एक और ब्लॉक लगाओगे, एक ब्लॉक आप लोग तोड़ दोगे, देन अब इसको यहाँ पर पूरा इस वाली ब्लॉक के एरिया से आप लोगों को पूरा ढक देना होगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ढक लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको भी पूरा फिलअप कर दिया। एंड आप लोगों को फिलअप करने के बाद ये ध्यान रखना है कि आप लोगों के अंदर एक छोटी सी भी टॉर्च या ब्लॉक कहीं पे लगाना होना चाहिए, नहीं तो आप लोग के जो मॉब है टॉर्च की वजह से स्पॉन नहीं होंगे। एंड अगर ब्लॉक लगा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे मॉब अटक सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को स्लैब ले लेना है, देन इसके जो साइड में यहाँ पर स्लैब लगा देना है। अगर आप लोग चाहो तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो, नहीं तो आप लोग इसके ऊपर लीव्स या टॉर्च भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर फटाफट से लगा के आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऊपर टॉर्चेस भी लगा दी है, देन मैंने यहाँ पर अपना स्लैब लैब भी लगा दिए। तो जो अब हमारे मॉब है वो इसके ऊपर नहीं स्पॉन होंगे, इसके अंदर स्पॉन होंगे। तो एंड आप लोगों को इसके जो ये यहाँ पर आप लोगों का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी आप लोगों को टॉर्च लगा लेनी होगी, नहीं तो यहाँ पर आपके मॉब स्पॉन होने के चांसेस है। एंड तो आप लोगों को इसके बाद थोड़ी देर एफके करना है, एंड यहाँ पर हमारे जो मॉब है वो स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फटाफट से सर्वाइवल में जाता हूँ। एंड देखो तुम लोग यहाँ पर मॉब आना भी स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पर फटाफट से सर्वाइवल में जाता हूँ, देन हम लोग इनको मारना स्टार्ट करेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर सर्वाइवल में भी आ गया, एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने ज्यादा जो मॉब है यहाँ पर स्पॉन हो गए हैं। एंड तुम लोग अभी मेरी एक्सपी भी देखो कितनी कम है। एंड मैंने यहाँ पर अपनी लकड़ी की शॉट ली है, तो लकड़ी की शॉट से भी ये लोग वन शॉट यहाँ पर मर जाएंगे, क्योंकि इतनी हाइट से इनके फॉल डैमेज लग के बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। तो मैं यहाँ पर इनको फटाफट से मारता हूँ, देन हम लोग इनके कितनी एक्सपी कलेक्ट हुई है वो देखेंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मेरी एक्सपी हो यहाँ पर 7 हो गई है। एंड उसके बाद हम लोग चेस्ट में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी लूट मिली है। इसने हम लोगों को यहाँ पर 15 गन पाउडर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, एंड वो भी दिए, एंड यहाँ पर एरो वगैरह भी दिए हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो फार्म है एक्सपी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला फार्म कैसे लगा, एंड तुम लोग इसको अपने कौन से वर्ल्ड में, सर्वाइवल वर्ल्ड में या किसी सर्वर में बनाओगे, ये भी जरूर से बता देना। गाइज यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइस तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।